प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का एएस लर्निंग एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपने एचटीएमएल के बारे में। दोस्तों एचटीएमएल पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि एचटीएमएल का यूज़ हम करते कहाँ पर हैं। बेसिकली अगर हम बात की जाए वेबसाइट या वेब पेजेस की, इन सबको डिज़ाइन करने के लिए आपको एचटीएमएल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। एचटीएमएल लैंग्वेज हमारा वेबसाइट के लिए और वेब पेजेस के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक तैयार करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को अपनी वेबसाइट से कंपेयर करें तो एक स्केलेटन को आप अपने एचटीएमएल कोड से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक राइट। इसके बाद यदि आप अपनी वेबसाइट को कोई भी अट्रैक्टिव वे प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के बारे में जानना होगा, राइट। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं अपने एचटीएमएल कोड के बारे में। तो एचटीएमएल की बेसिकली जो फुल फॉर्म है आपकी, वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और जिसको इन्वेंट किया था सर टिम बर्नर्स ली ने। और एचटीएमएल जो लैंग्वेज है बेसिकली ये हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है यहाँ पर कि केस सेंसिटिव का ही मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हम देखते हैं, जैसे जावा की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, ये हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती हैं। यहाँ पर हमें जो सिंटैक्स डेवलपर के थ्रू दिया हुआ है या जो सिंटैक्स हमें जिस फॉर्मेट में दिया हुआ था, यानी जिस केस में वो हमें दिया हुआ है, चाहे वो अपर केस की बात कर रहे हैं या हम लोअर केस की बात कर रहे हैं, तो वो हमें एज इट इज ही अपने कोड के अंदर लिखना पड़ता है। जबकि एच टी एम एल की हम बात करें तो एच टी एम एल हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग अपने टैग को लिख सकते हैं, राइट। सबसे पहली चीज़ ये है कि एच टी एम एल लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हमें ये पता करना है कि HTML लैंग्वेज को लिखने के लिए आपको किस किस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ेगी, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में नोटपैड है, वो एज लाइक अ टेक्स्ट एडिटर, वो हमारे टेक्स्ट एडिटर का काम करेगा। साथ में आपको एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, कोई भी बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर आपके सिस्टम में हो सकता है। क्रोम की बात कर रहे हैं, फायरफॉक्स की बात कर रहे हैं, या हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर रहे हैं, किसी भी एक वेब ब्राउजर के थ्रू आप अपने वेब पेजेस को रन करा सकते हैं। सबसे पहली चीज HTML का काम है आपके बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार करना, CSS का काम है वहां पर एक स्टाइल प्रोवाइड कराना, अपने फॉन्ट की स्टाइल, यानी अपनी वेबसाइट को एक अट्रैक्टिव लुक देने का काम हमारे CSS का है। और अगर हम बात करें उसके फंक्शंस की, यानी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड कोडिंग की अगर हम बात करेंगे, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के बारे में पढ़ना होगा। ये जो आप पिक्चर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये जो मिस्टर सर टिम बर्नर्स ली हैं, जिन्होंने आपकी HTML लैंग्वेज को क्रिएट किया था, जिनका जो बर्थ डेट है वो 1 सितंबर 1921 है, और जो डेथ इनका डेट है वो 1 फरवरी 1919 है आपकी, राइट। चलिए एज HTML लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसको आपने SGML लैंग्वेज से एक्सटेंडेड फ्रॉम हम SGML लैंग्वेज बोल सकते हैं, यानी कि SGML लैंग्वेज से इसको हमने बनाया है, या SGML लैंग्वेज से ही हमने इसका बेस लिया है, जहां पर SGML लैंग्वेज जो है आपकी वो भी मेरी टैग बेस्ड लैंग्वेज है। अब मेन बात आती है जी, यहाँ पर टैग क्या है। टैग एज लाइक अ की की हम बात कर रहे हैं कि एक छोटी छोटी कीज होती हैं, टैग वर्ड्स हमारे होते हैं, जिसके थ्रू आप अपने कोड को डिजाइन करते हैं। हर टैग का अपना अलग अलग काम होता है, हर टैग का एक ओपनिंग टैग के साथ में उसका एक क्लोजिंग टैग भी होगा। ऐसे कुछ इंडिविजुअल टैग्स भी आप अपने HTML लैंग्वेज के अंदर देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि HTML की कोडिंग आपने टैग के फॉर्मेट में करनी है, और हर टैग का एक अपना क्लोजिंग और एंडिंग टैग होगा। टैग एज लाइक अ कीवर्ड, जो हमारे HTML कोड को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। टैग्स को आप अपने किसी भी केस में लिख सकते हैं, चाहे आप अपना अपर केस यूज करें, चाहे आप वहां पर अपना लोअर केस यूज कर सकते हैं। साथ में एक बात और हमें ये ध्यान रखनी है कि टैग को लिखने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि टैग को आप अपने एंगुलर ब्रिक्स के अंदर लिखते हैं, यानी लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन के बीच में जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो आपका टैग बन जाएगा, और हर टैग का जो एंडिंग टैग होगा वो हमारे स्लैश के साथ में होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ओपनिंग टैग के बाद में जब आप अपना एंडिंग टैग यूज करेंगे, तो ओपनिंग टैग में आपको बस स्लैश यूज करना है, वो आपका क्लोजिंग टैग बन जाएगा। ये आपके कुछ वर्जन्स हैं आपके HTML के, जो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे हैं। अगर हम बात करें 1989 की,
जहां पर सर टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW को इन्वेंट किया था, जिसको आप लोग इंटरनेट कहते हैं। ये फिर आपका 1991 में सर टिम बर्नर्स-ली ने HTML को इन्वेंट किया। जैसे जैसे यहाँ पर टेक्स्ट और भी नंबर ऑफ फंक्शंस ऐड होते चले गए, आपके HTML के वर्जन बनते चले गए। करंट में अगर हम बात करें तो HTML 5.2 वर्जन जो है वो मोस्ट पॉपुलर वर्जन है, जिस पर अब काम किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने HTML के टैग्स के बारे में, टैग बेसिकली जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर आप इसको एंगल ब्रिक्स के बीच में हम अपने टेक्स्ट को लिखते हैं तो वो मेरा टैग बन जाता है, टैग एज लाइक अ की, जिसके थ्रू आप अपने HTML के कोड को लिखते हैं। HTML के कोड को लिखने से पहले हमें एक बाई डिफॉल्ट टैग यूज करना है, जिसका नाम है डॉक टाइप। डॉक टाइप का बेसिकली काम क्या है कि यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स का टाइप बताते हैं कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट लिखा है, ये जो कोड लिखा है, ये बेसिकली आपकी किस लैंग्वेज में है। जब आपका ये कोड ब्राउजर पर रन होता है तो वहां ब्राउजर को सबसे पहले जो टैग पढ़ने के लिए मिलता है वो डॉक टाइप मिलेगा, जो डिसाइड करके बताएगा कि आपका जो कोड आपने लिखा है वो HTML के अंदर है। यानी ब्राउजर के लिए हम ये अपना बेसिकली टैग यूज करते हैं। अगर आप इस टैग को यूज नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे कोड के ऊपर, राइट। इसके बाद में हम HTML के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आप अपने आगे कोर्स के साथ में पढ़ेंगे। अब ये है आपका HTML का बेसिक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, यानी एक बेसिक मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ जो आपने बाई ये हर अपने HTML कोड के साथ में यूज करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टैग है, जिसको आप लोग डॉक टाइप कहते हैं। देन इसके बाद में आपने HTML टैग से अपने कोड की शुरुआत करनी है। HTML के बाद में आपने अपने हेड पोर्शन को लिखना है। हेड के आपने शुरुआत के बाद में हेड की क्लोजिंग करनी है। आप देख पा रहे हैं कि हेड की जो क्लोजिंग है वो स्लैश के साथ में है। देन इसके बाद में जो ओपनिंग टैग है बॉडी का वो स्टार्ट हुआ। बॉडी की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो जो टैग्स हैं आपने वहाँ वो लिखने हैं। इसके बाद में आप अपने बॉडी टैग को क्लोज करते हैं। लास्ट में आपने अपने HTML टैग को भी क्लोज कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस टैग से आपने अपने या जिस टैग से आप अपने कोड की शुरुआत करते हैं, फाइनली उसको हमें क्लोज के साथ में बंद करना। अगर आप वहां क्लोजिंग टैग नहीं लगाते हैं तो आपका कोड प्रॉपर रन नहीं हो पाएगा। अगर इस बेसिक स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपने दो मेन टैग देखे हैं, पहला है हेड और सेकंड इज बॉडी। या मैं ये कह सकता हूँ कि HTML कोड आपका टू पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है बॉडी पार्ट और सॉरी पहला है आपका हेड पार्ट और सेकंड है आपका बॉडी पार्ट। हेड का काम क्या है और बॉडी का काम क्या है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये पिक्चर ध्यान से देखिएगा। ये एक ब्राउजर का फोटो है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर हेड सेक्शन लिखा हुआ है। बेसिकली हेड सेक्शन का काम क्या है, आपको आपके वेब ब्राउजर के बारे में डिटेल बताना कि इसका टाइटल क्या है, यहाँ पर आपने इसका वेब पेज के ऑथर के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर कोई भी टैग जो भी आप यहाँ पर लगाएंगे वो सारी की सारी चीजें आपको हेड सेक्शन के लिए अंदर लिखनी है। हेड सेक्शन के कुछ और बेसिक सब टैग्स हैं, जैसे टाइटल हो गया, स्टाइल हो गया। स्टाइल में आपने यहाँ पर CSS लैंग्वेज का यूज करना है। मेटा टैग की हम बात कर रहे हैं, मेटा के बाद में लिंक है, स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट के लिए जो यूज करेंगे आप, और आपका बेस टैग। ये इसके कुछ हेड एलिमेंट के मेरे सब टैग्स दे रखे हैं जो आपने अपने कोड के अंदर लिखने हैं, और इन सब का जो रिजल्ट है वो आपके हेड सेक्शन के अंदर आएगा। इसके बाद में जो नीचे वाला पार्ट है, जो ओवरऑल आप स्क्रीन जो अपने ब्राउजर की देख पाते हैं, इसको मैं बॉडी सेक्शन बोलता हूँ। और इस सबकी कोडिंग मुझे अपने कोड के बॉडी टैग के अंदर करनी होती है, राइट। तो यहां तक जो हमने बेसिक बातें समझी हैं, एक बार मैं इसका प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में कोड हमारा रन कैसे करता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत है, या एक टेक्स्ट एडिटर आपका मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। और नोटपैड को ओपन करने के बाद में सबसे पहले जो मैं टैग यूज करता हूँ, मैंने अपने HTML टैग से शुरुआत की है। ये मेरा एक बेसिक और स्टार्टिंग टैग होगा, यहीं से ब्राउजर हमारे कोड को रन यानी पढ़ना स्टार्ट करेगा। HTML के बाद में यहाँ से आप अपने हेड टैग के बारे में लिखेंगे। हेड टैग बेसिकली ये वो टैग है जिसके अंदर आप अपने कोड के हेड सेक्शन में आने वाली इंफॉर्मेशन को टाइप करेंगे। हेड के बाद में आप चाहो तो यहाँ पर अपने वेब पेज का कोई भी टाइटल आप यहाँ दे सकते हैं। टाइटल का मतलब ये है कि जो आपके हेड सेक्शन में शो होगा ये आपका क्या है। मान लेते हैं मैं यहाँ अपना टाइटल दे देता हूँ माय
फर्स्ट वेब पेज, राइट। यहाँ पर आपने एक टाइटल दे दिया, माई फर्स्ट वेब पेज। इसके बाद मैं स्लैश के साथ में, क्योंकि मेरा टाइटल का काम खत्म, तो मैं अपने टाइटल का स्लैश के साथ में क्लोज कर देता हूँ। टाइटल के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ आप अपने हेड सेक्शन को क्लोज करते हैं। हेड के बाद में आपको अब बॉडी की बात करनी है। जैसा कि आपने अभी पिक्चर के अंदर देखा था कि ये जो बाकी का रेस्ट ऑफ पार्ट है ये आपके बॉडी सेक्शन के अंदर में है, तो बॉडी के अंदर जो भी मैं टेक्स्ट या जो भी टैग मैं यूज करूंगा उसका फाइनल रिजल्ट मुझे मेरे ब्राउजर के बॉडी पार्ट पर मिलेगा, जिसको आप बॉडी सेक्शन बोल रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो बॉडी के अंदर मान लेते हैं आप सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने बॉडी टैग की शुरुआत करी है। बॉडी के बाद में आपसे, अब आप एक चीज ध्यान से देख पा रहे होंगे कि हर टैग को मैंने स्मॉल में लिखा है। इसका बेसिक बेनिफिट क्या होता है कि जब हमारे कोड के अंदर नंबर ऑफ लाइंस बहुत सारी हो जाती हैं, तो वहां अपने टैग को और अपने टेक्स्ट में हमें वेरिएशन करने के लिए हम मोस्टली अपने टैग को स्मॉल में लिखते हैं। W3 कंसोर्टियम ने भी ये बात बोली है, या उन्होंने सजेशन दिया है कि यदि आप अपने टैग को स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, राइट। सबसे पहले आपने अपने HTML, सबसे पहले हमने अपने HTML टैग से कोड की शुरुआत करी है, और HTML को मैंने अपने एंगल ब्रिक्स के अंदर लिखा है। कहने का मतलब क्या है, जिस भी टेक्स्ट को आप अपने एंगल ब्रिक्स के अंदर लिखते हैं वो आपका टैग बन जाएगा, और साथ में यदि आप वहां स्लैश यूज करते हैं तो वो उसका एंडिंग टैग बनेगा। यानी हर टैग का क्लोजिंग टैग भी है और एंडिंग टैग भी है। कुछ टैग आप ऐसे पढ़ेंगे जो इंडिविजुअल टैग होंगे, जैसे मैं हॉरिजॉन्टल रूल की बात कर रहा हूँ, लाइन ब्रेक की बात कर रहा हूँ, BR टैग जो हुआ, ये मेरे इंडिविजुअल टैग है। बॉडी के बाद में यहाँ मान लेते हैं आपने कोई भी टेक्स्ट देना चाह रहे हैं, कुछ भी आप प्रिंट कराने चाह रहे हैं, हेलो वेलकम इन, या आपने लिख दिया वेलकम इन AS लर्निंग अकेडमी, राइट। यहाँ पर एक छोटा सा मैं मैसेज दे देता हूँ अपनी बॉडी सेक्शन में जो मेरा सेव होगा, वेलकम इन AS लर्निंग अकेडमी। इसके बाद में आपने अपने बॉडी सेक्शन को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के लिए मैंने स्लैश यूज किया और स्लैश के साथ में अपना बॉडी टैग, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बॉडी के बाद में देखिए, सबसे पहला आपने HTML यूज किया, HTML के बाद में आपका हेड टैग यूज हुआ। सबसे पहला आपका HTML टैग, HTML के बाद में आपका हेड टैग यूज हुआ, हेड के बाद में अपना टाइटल यूज किया, और टाइटल को फिर आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के लिए आपने स्लैश का यूज किया है। ये बात आप लोगों ने बहुत ध्यान रखनी है, अगर आप स्लैश का यूज नहीं करेंगे तो आपका टैग खत्म नहीं होगा। इसके बाद आपने अपने हेड को एंडिंग किया, हेड को एंड करने के बाद में आपने यहाँ पर अपने बॉडी टैग का यूज किया। बॉडी के बाद में आपने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, वेलकम इन एएस लर्निंग एकेडमी, और अपने बॉडी टैग को आपने क्लोज कर दिया। बॉडी के बाद में यहाँ पर मैं अपने HTML टैग को भी एंड कर देता हूँ, क्योंकि अब ये मेरा प्रॉपर कोड बन चुका है, जो बेसिक कोड है जो मुझे हर अपने वेब पेज के कोड में ये फॉर्मेट यूज करना है। अब इसके अंदर मेन बात समझने की ये है कि अगर आप अपने हेड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो मुझे अपने वो हेड सेक्शन के अंदर लिखना है, और ब्राउजर में यानी ब्राउजर की बॉडी सेक्शन पे अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी है अपने वेब पेज के अंदर, तो वो सारा का सारा कंटेंट हमें अपने बॉडी टैग के अंदर लिखना है। लास्ट में इस कोड की जो शुरुआत की है वो आपने HTML टैग के साथ की है, और एंडिंग भी मैं अपने HTML के क्लोज्ड टैग के साथ में करूंगा। इसके बाद आप अपने इस कोड को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आप कोई भी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, जो Ctrl+S है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात यह कि हमें अपने इस कोड को सेव करना है। सेव करने के लिए आप Ctrl+ अपने एस का यूज करेंगे सेव करने के लिए, या आप अपने मेन्यू बार में जाकर भी सेव ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सेव के बाद में आप अपने इस कोड को कहीं पर भी जहां पर आपके लिए अच्छा लगता हो किसी भी फाइल या फोल्डर में आप लिख सकते हैं। मान लेते हैं मैंने ये अपना कोड डेस्कटॉप पर सेव कर लिया, और मैं इसका नाम लिख देता हूँ first.html। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखनी है, HTML का एक्सटेंशन जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हर डॉक्यूमेंट का अपना एक एक्सटेंशन होता है जिससे उस डॉक्यूमेंट की पहचान की जाती है। HTML कोड की जितनी भी फाइल आप बनाएंगे, जितने भी कोड आप लिखेंगे, और उनको सेव करने के लिए आपने एक एक्सटेंशन का यूज करना है, जो होगा आपका .html या .htm। दोनों में से आप कोई भी एक एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, और यही एक्सटेंशन हमारे सिस्टम को और हमारे ब्राउजर को बताता है कि ये फाइल मेरी HTML टाइप की है, राइट।
मैंने अपने इस फर्स्ट कोड को फर्स्ट डॉट एच टी एम एल के साथ में सेव कर दिया। सेव करने के बाद में मैं इसको रन कराने के लिए अपने ब्राउजर की तरफ जाता हूँ, और पहले सबसे पहले हम कोड देख लेते हैं। ये रहा मेरा कोड प्यारे बच्चों, ये मेरा स्क्रीन पर आप कोड देख पा रहे हैं, फर्स्ट डॉट एच टी एम एल। आप अगर चाहते तो इसको फर्स्ट डॉट एच टी एम से भी सेव कर सकते थे, बोथ आर सेम, दोनों एक्सटेंशन आपके सेम है। पहला है डॉट एच टी एम एल और सेकेंड इज डॉट एच टी एम। और हर एक्सटेंशन आप जानते हैं कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है कि एक्चुअल में ये डॉक्यूमेंट्स मेरा है किसका। रन कराने के लिए सबसे पहले आप अपने इस राइट क्लिक अपने सिस्टम से कीजिएगा अपनी फाइल के ऊपर, और ओपन विद किसी भी एक ब्राउजर में आप इसको ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये कोड रन हो जाएगा। मैंने गूगल क्रोम पर ये रन किया, और आप अपनी मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कोड मेरा रन हो चुका है। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज, ये मेरे बॉडी सेक्शन में आ रहा है, वेलकम इन एएस लर्निंग एकेडमी, और मेरे हेड सेक्शन में आप देख सकते हैं कि जिसके लिए मेरे वेब पेज का नाम जो आप लोगों ने दिया था माय फर्स्ट वेब पेज, ये मेरे हेड सेक्शन पर शो हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा HTML का बिल्कुल बेसिक जो हमने आप लोगों के लिए बताया। अगर आपको कोई भी यहाँ पर डाउट है या कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके समझ में नहीं आई हैं, तो आप हमें कमेंट करके वो सारी की सारी चीज़ें बता सकते हैं, और हम आपकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट जरूर करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये था कि HTML कोड को पढ़ने से पहले हम एक बात जाननी है कि HTML का हम यूज कहाँ करते हैं। भाई जितनी भी वेबसाइट या वेब पेजेस बनते हैं, उन सबकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कहने का मतलब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो आप HTML लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट करते हैं। HTML की अगर हम बात करें तो HTML लैंग्वेज में सबसे मेन बात यह है कि ये मेरी टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है। और टैग बेस्ड का मतलब क्या है कि जो हम एक टैग्स यूज यहाँ करते हैं जिससे हमारा कोड जनरेट होगा, टैग एज लाइक अ की, और टैग को हम अपने एंगल ब्रिक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं वो मेरा टैग होता है। और हर टैग का एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग होगा। क्लोजिंग के लिए आपने स्लैश का यूज करना है, जिससे कि आपका जो है वो क्लोजिंग टैग बन जाता है। ऐसे कुछ टैग्स होंगे जो इंडिविजुअल टैग भी आपने यूज करते हैं, जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, यानी वो सिर्फ ओपन ही रहेगा, जैसे कि आप लाइन ब्रेक के लिए यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा फर्स्ट कोड जो आप लोगों ने जाना। अगर यहाँ कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करें। थैंक यू।